जो मनुष्य प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु प्रज्ञा वीर्य बल और तेज बढ़ता है। शरीर के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का बहाव होता है। सूर्य नमस्कार करते समय जब 12 नामों से सूर्य भगवान को हम 12 मंत्रों से जब सूर्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं नमस्कार करते हैं तो मंत्रों के पीछे भी छुपे हुए भाव को भी हम नमस्कार करते समय हमें उसमें शामिल करना है ताकि उस भावों से जब हम नमस्कार करें तो उसका एक आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी होगी और एक सूर्य भगवान से एक संबंध हमारा स्थापित होगा कि हम किसे प्रणाम कर रहे हैं। तो एक जागरूकता हमें आएगी, एक अवेयरनेस हमें आएगी। सबसे पहला मंत्र हम करते हैं कि ओम मित्राय नमः, यानी उस सबसे सच्चे परम मित्र को सूर्य भगवान को एक सखा की भांति हम देखते हैं कि उस परम मित्र को हम प्रणाम कर रहे हैं जो हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। ओम रवये नमः, इसका अर्थ कि उस प्रकाशवान को हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं उस सारी ऊर्जा को जो स्वयं में प्रकाशित है और जो सबको प्रकाशित कर रहा है, हम उसे प्रणाम कर रहे हैं। तो जब हम हस्त उत्तानासन की स्थिति में जाते हैं तो अपने संपूर्ण शरीर के अंदर हम उस पूरे उस प्रकाश को अपने अंदर हम इनवाइट करते हैं, उस तेज को इनवाइट करते हैं। तो इस तरह से हमें सूर्य भगवान का मंत्र उच्चारण जब हम करें तो एक भाव हमारे मन के अंदर होना चाहिए, ओम सूर्याय नमः। जब हम हस्त पादोत्तानासन की स्थिति में जाते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं हम, तो ओम सूर्याय नमः, तो हम सूर्य को प्रणाम करते हैं कि उन महाशक्ति को हम प्रणाम करते हैं जो स्वयं में प्रदीप्त है, जो स्वयं अपने आप में प्रकाश का पुंज है, जिसको कोई उगाता नहीं, वो स्वयं आते हैं सबके जीवन में प्रवेश करते हैं। ओम सूर्याय नमः, तो उस सूर्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं जो सबको जगाता है कि गेट एक्टिवेट, कि अब सभी जाग जाओ और अपनी क्रियाकलाप शुरू करो। तो क्रियाओं को चलाने का जो कार्य करने वाले हैं उन सूर्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं कि जिनके आने मात्र से पूरा वनस्पति जगत और पूरा विश्व और पूरा ब्रह्मांड एक्टिवेट हो जाता है। तो हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं, ओम सूर्याय नमः, जो सभी क्रियाओं को संचालित करता है। ओम भानवे नमः, जब हम अश्व संचालन की स्थिति में जाते हैं फोर्थ आसन में, तो उसके अंदर हम सूर्य भगवान का मंत्र का उच्चारण होता है, ओम भानवे नमः, यानी उस प्रकाशवान को हम प्रणाम करते हैं जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाता है, जो रात के बाद सुबह हो गई है इसका हमें एक आभास करवाता है। तो गुरु की भांति जो हमें हमेशा साथ में लेके हमारे ना केवल शारीरिक उन्नति करता है, शरीर को स्वस्थ करता है, बल्कि हमारी मानसिक, हमारी वैचारिक, हमारी भावनात्मक उन्नति भी होती है, साथ में आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी करता है। तो गुरु की भांति हमारा पूरा पोषण करता है, हमें गाइडेंस देता है और अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाले उस प्रकाश को हम नमन करें, प्रणाम करें, उनका आभार व्यक्त करें और अपने जीवन में आने के लिए उनको इनवाइट करें। दूसरी पोजीशन होती है सूर्य नमस्कार की, ओम खगाय नमः, यानी जब हम चतुर्थ दंड आसन की स्थिति में होते हैं, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों पैर के पंजे टच होते हैं हमारे, उस आसन में हम कहते हैं ओम खगाय नमः, यानी उस परमपिता परमेश्वर को हम प्रणाम कर रहे हैं जो पूरा आकाशगामी है। जिस तरह से आकाश पूरे संपूर्ण जगत में फैला हुआ है, उसी तरह से सूर्य भगवान का उजाला भी संपूर्ण आकाशगामी है, यानी दूर दूर तक जहां तक पहुंच किसी की नहीं हो, सूर्य भगवान वहां पहुंच जाते हैं। इतने उनकी किरणों में, रश्मियों में, उनसे आने वाली ऊर्जा में वो बल है, वो ताकत है। तो हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं कि उस आकाशगामी को प्रणाम कि दूर दूर तक जिसकी किरणें जा सकती है, संपूर्ण जगत को, जगत के अंदर जिनकी रश्मियां फैल सकती हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं। छठी पोजीशन हमारी आती है ओम पूषणे नमः, यानी जब हम अष्टांग प्रणाम करते हैं, ओम पूषणे नमः बोलते हैं, तो एक पिता की भांति जो हमारा पोषण करता है, एक पिता की भांति जो हमारा देखरेख करता है, हमारा हमको संरक्षण देता है, ईश्वर आप हैं तो इस जगत के अंदर जीवन है, तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं जो सबका पालनहार है, जो सबको पालता है, पोषता है, बड़ा करता है। तो सूर्य भगवान के आने से ही ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सभी अपने अंदर एक ऊर्जा का एहसास करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करके और उस ऊर्जा को ग्रहण करके अपने क्रियाकलापों में लगते हैं, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। और जब हम सातवीं पोजीशन सूर्य नमस्कार में आते हैं और हम भुजंग आसन करते हैं, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, अर्थात जब हम भुजंग आसन की स्थिति में आते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, यानी उस स्वर्णिम विश्व आत्मा को हम प्रणाम करते हैं
जिनसे आने वाली किरणें सोने की भांति एकदम चमक रही है। सोने की भांति चमक जिनके अंदर है रश्मियों के अंदर, उन आने वाली रश्मियों को हम प्रणाम करते हैं, जिनकी शाइन, जिनकी चमक जो ऊर्जावान और रश्मियां आने वाली संपूर्ण जगत को ऊर्जावान बना देती हैं, और उन रश्मियों को प्रणाम करके हम अपने शरीर के अंदर भी उनका आह्वान करते हैं, ताकि अंदर से हम भी स्वर्ण की भांति चमकने लग जाएं। तो वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि वी आर रियली वेलकमिंग यू, उन रश्मियों का सूर्य भगवान, हम अपने शरीर के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आठवीं पोजीशन सूर्य नमस्कार की, ओम मरीचे नमः। जब हम पर्वतासन की स्थिति में जाते हैं तब हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ओम मरीचे नमः। तो इसका अर्थ होता है कि हम सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर सत और असत, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो विवेक हमारे अंदर जागृत हो। हे परमात्मा, वो ज्ञान हमारे अंदर प्रद्युत होना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए। सूर्य भगवान, हम आपका आह्वान करते हैं और इस और ऐसा ज्ञान हमें प्रदान करो, ऐसा विवेक हमें प्रदान करो, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर जागृत करो कि हम अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न हो और एक अच्छे जीवन को जिए और ये इसको साकार करें, ताकि वो बल, बुद्धि, ओजस, तेजस, वर्चस्व और वो तेज हमारे अंदर आए और हमारी बुद्धि के अंदर हमेशा हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता रहे, हमारे विवेक को प्रकाशित करता रहे और सत असत यानी अच्छा और बुरे का ज्ञान हमारे पास रहे। प्रणाम करते हैं, ओम आदित्याय नमः। जब हम प्रणाम करते हैं अश्व संचालन की स्थिति में, तो हम प्रणाम करते हैं अदिति सूत को, उस विश्व जगत को, जननी को हम प्रणाम करते हैं। तो ओम आदित्याय नमः में ओम विश्व जननी, जिसमें सभी ब्रह्मांड को, सारे देवी देवताओं को उस जननी ने जन्म दिया है, उसको हम प्रणाम करते हैं। ओम सवत्रे नमः, जो दसवीं पोजीशन है पादहस्तासन की, हम सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं कि ओम सवत्रे नमः, अर्थात जो संपूर्ण जगत को जागृत करता है, जो मनुष्य को जागृत करता है और जो क्रियाशील बनाता है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और सूर्य भगवान बताते हैं हमें कि एक नया दिन आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है और इस दिन का स्वागत करने के लिए जल्दी से आप क्रियाशील हो जाइए और आज को हम अच्छा बनाए इसके लिए जागृत हो जाइए। इस क्षण को कैसे अच्छा बनाए इसके लिए आप जागृत हो जाइए, क्रियाशील हो जाइए और कर्म योनि में है और कर्म करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम अर्काय नमः, अर्क का अर्थ होता है ऊर्जा, तो उस ऊर्जा के स्रोत को हम प्रणाम करते हैं जो हमें क्रियाशील बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। तो हमारी तरफ से एक श्रद्धा, एक भाव हम प्रकट करते हैं कि उस विश्वव्यापी जगत परमात्मा विश्व, उस विश्वव्यापी और जागृत परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो सब में प्रदीप्त है, सब में ऊर्जावान है और जो ऊर्जा देने का कार्य करता है सभी के अंदर। ओम भास्कराय नमः, अर्थात जो उस आत्म प्रेरक ज्ञान को हमें बता दे, उनको हम प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जो हमें एहसास करवाता है कि हमारे अंदर एक आत्मा निवास करती है। सूर्य जिस तरह से बाहर चमक रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी बैठी हुई आत्मा उतनी ही चमकली हुई है, उतनी ही शुद्ध है, उतनी ही पवित्र है, उतनी ही ऊर्जावान। तो वो भाव हमारे मन के अंदर आता है और उस आत्म देव को, जो आत्मा रूपी देव हमारे अंदर बैठे हैं, आत्मा रूपी परमात्मा हमारे अंदर बैठे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ओम भास्कराय नमः, और भास्कराय नमः करते समय अपने मन के अंदर भाव बढ़ते हैं कि हमारी आत्मा जो सूर्य की भांति इस श्रेणी के अंदर बैठी है, उस आत्मा को भी जो संपूर्ण अपने आप में ओजस और तेजस और प्रकाश और ऊर्जा और बल, सामर्थ्य और वर्चस्व को ली हुई है, उस आत्मा को हम प्रणाम करते हैं। तो ये भाव 12 सूर्य नमस्कार करते समय हमारे अंदर होना चाहिए, तो इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, साथ में हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन भी लगता है और सूर्य भगवान की आराधना भी होती है। अपना भाव हम ऐड करें, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं हम ऐड करें, तो सूर्य नमस्कार करते समय एक आनंद की अनुभूति हम फील करेंगे, अपने आप में बहुत ओजस और तेज से भरा हुआ फील करेंगे, ऊर्जावान फील करेंगे। तो ये होता है सुबह सुबह वास्तव में सही अर्थों में सही तरीके से सूर्य नमस्कार करना। और हमें पता है सूर्य नमस्कार करना अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है, जो हमें ओजस की, तेजस की, बल, बुद्धि, वीर्य सबकी अपने आप में हमको भर देता है पूरा ऊर्जा से, और एक सकारात्मक एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को लेके जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो फिर सारा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। तो सूर्य नमस्कार करना है, मंत्रों के साथ करना है और भावों को भी जान के करना है कि उस आराध्य देव से हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। यदि इस जगत के अंदर वास्तव में हमें ईश्वर को देखना है तो सूर्य भगवान को हम देख लें।
अपने आप में। और ये बात सब जानते हैं कि सूर्य भगवान है तो हम हैं, सूर्य भगवान है तो ये सारी सृष्टि है, सूर्य भगवान है तो हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा भी प्रकाशित है।